हेलो बच्चों, आपने आ और छोटी ई की मात्रा सीख ली है। अब हमने बड़ी ई की मात्रा शुरू की है। बड़ी ई की मात्रा को कैसे लगाया जाता है? इस तरह से लगाया जाता है। और बड़ी ई की मात्रा लगाने के बाद व्यंजनों के उच्चारण में अंतर आ जाता है। यह अंतर क्या होता है? बड़ी ई की मात्रा की आवाज़ थोड़ी सी लंबी आती है। एक बात और, बड़ी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। देखिए, ख को बड़ी ई की मात्रा लगाई, खी र खीर, न दी नदी, ती र तीर, ची ल चील, पी ला पीला, ही रा हीरा, ग ली गली, ली ची लीची। ये देखिए बच्चों, ल पर भी बड़ी की आवाज आ रही है और च पर भी, इसलिए मैंने दोनों व्यंजनों के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाया लीची। यहाँ पर र के बाद आ की आवाज आ रही है तो आ की मात्रा, न के बाद ई की आवाज आ रही है तो ई की मात्रा, रानी रानी, बड़ी बड़ी, दही दही, ली ला लीला, मीठी मीठी, गीत गीत, हाथी हाथी, ती न तीन, नी ला नीला, सीता सीता, फली फली, इमली इमली, झील झील। तो बच्चों, आपने देखा मैंने कैसे बड़ी की मात्रा लगाकर शब्द बनाए और उनको पढ़ा। आप सभी ने भी बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्दों को पढ़ना है और अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ये आपका आज का होमवर्क है।